ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो, गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम। गुड वाइब्स ने पहले लॉन्च किया था गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल, और मार्केट में अभी आया है गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम। तो इसको मैंने एक महीने तक अप्लाई किया हुआ है अपने चेहरे पे, और रिजल्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा है ये वाला प्रोडक्ट, और क्या आपको इसको खरीदना चाहिए, और क्या ये सच में काम करता है, और कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगी। वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। कैसे हो आप सब गाइस? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत ही पॉपुलर और हॉट सेलिंग एक प्रोडक्ट को, वो है गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो, गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम। गुड वाइब्स ने पहले लॉन्च किया था गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल, और मार्केट में अभी आया है गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम। तो इसी के बारे में है आज का मेरा वीडियो। इंग्रेडिएंट्स है ये यहाँ पे दिया हुआ है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का जिक्र इन्होंने किया है, और इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी यहाँ पे लिखा है कि आपको 3 से 4 ड्रॉप लेना है अपने हाथ में, चेहरे को साफ करने के बाद इसको अपने चेहरे पे लगाना है। और यहाँ पे ये लिखा है कि फिंगर टिप की मदद से इसको सर्कुलर मोशन पे हल्का हल्का करके आप मसाज करें, और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो आपके कुछ लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, तो इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, और आंखों से दूर रखें और ज्यादा गर्म जगह पे ना रखें। और इसका जो MRP है वो है ₹225। तो इसको मैंने एक महीने तक अप्लाई किया हुआ है अपने चेहरे पे, और रिजल्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा है ये वाला प्रोडक्ट, और क्या आपको इसको खरीदना चाहिए। कुछ दिनों से मैं अपने चेहरे पे देख रही थी कि लफ लाइंस बहुत ज्यादा आ रहे थे। पिछली बार मैंने टेस्ट किया था बायोटेक का बायोडैंडलियन फेस सीरम, लेकिन वो जब खत्म हो गया तो उसको मैंने लगाना बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरा चेहरा फिर से पैची और ब्लैकिश हो रहा था, एंड द रीजन इज हार्श लाइट पे मैं काम करती हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का टेस्ट करती हूँ, बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ, मेकअप लगाती हूँ, तो इसीलिए चेहरा जो है मेरा वो बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा था, एंड इसको मैं सारा दिन में एक बार करके फिलहाल लगा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगी इसके टेक्स्चर के बारे में। इसका टेक्स्चर काफी स्टिकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वेट है और इंस्टेंटली अब्जॉर्ब नहीं होता है। इसको चेहरे पे अब्जॉर्ब होने के लिए नॉर्मली 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूं तो मैंने ये देखा है, अगर इसको मैं रात में जब लगा के सोती हूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये काम करता है, क्योंकि रात में हमारा स्किन रिपेयरिंग मोड पे रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको दोपहर में भी लगाया है एंड रात में भी लगा के देखा है। तो कंपेयरिंग टू दोपहर, रात का रिजल्ट मुझे काफी सेटिस्फैक्ट्री लगा। सुबह उठने के बाद चेहरे पे एक बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं अपने चेहरे पे जो स्पॉट्स के बारे में बात करूं, मेरे चेहरे पे काफी सारे स्पॉट्स हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, तो इनमें से एक है यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं जो अभी भी है। क्या होता है ना कि मैं चीजों को लगाती हूँ, उसके बाद जब चीजें खत्म हो जाते हैं तो फिर से वो स्पॉट्स वापस आ जाते हैं, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन मुझे नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं इसको अब लगा रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद मुझे ये लगा कि काफी हद तक मेरे चेहरे पे जो स्पॉट्स है वो लाइटन हुए हैं, लेकिन इसको छोड़ने के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, और शायद फिर से वो स्पॉट्स वापस आ सकते हैं। मेरा स्किन है हाईली सेंसिटिव विथ ऑयली वन, तो ऑयली स्किन के ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ, एंड आई थिंक इट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। चेहरे पे एक ग्लो आया है। अगर मैं अपना चेहरा आप लोगों को दिखाऊं, अभी तो मैंने ज्यादा मेकअप नहीं किया हुआ है, बट इंस्टेंटली एक फ्रेशनेस फील होता है इसको लगाने के बाद, एंड 2-3 घंटे के बाद ना चेहरा बहुत अच्छे तरीके से ब्राइटन हो जाता है, ऐसा लगता है कि चेहरा अंदर से रिपेयर हुआ है। इसको मैंने अभी हाफ बॉटल ही लगाया है, पूरा नहीं लगाया है, लेकिन हाफ बॉटल लगाने के बाद जो रिजल्ट मुझे फील हुआ है, इट इज गुड, इट इज सेटिस्फैक्ट्री। तो जब पहली बार मैंने इसको लगाया था तो मेरे चेहरे पे यहाँ पे और यहाँ पे दो छोटे छोटे दाने आए थे, लेकिन ईचिंग वगैरह फील नहीं हुई थी, और चेहरे पे ऐसा खुजली बुजली कुछ फील नहीं हुआ था, चेहरा रेड एलर्जेटिक कुछ नहीं था, इट वाज एब्सोल्युटली ओके। और 2 दिन लगाने के बाद, उसके बाद मैंने
थर्ड डे से नोटिस किया कि मेरे चेहरे पे और वो जो एक हल्का सा एक सेंसेशन फील हो रहा था वो और नहीं हो रहा था, मतलब वो सूट कर गया था अच्छे तरीके। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो गुड वाइब्स के रोज हिप फेस सीरम के ऊपर। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आप उसे कहोगे कि क्या आप इस सीरम को दोबारा खरीदोगे, येस इसको मैं दोबारा खरीदूंगी। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो बायोटेक का जो बायोडांड्रोलियन फेस सीरम है उसके साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो मैं यही कहूंगी कि दिस वन इज बेटर देन वो वाला प्रोडक्ट। वो भी अच्छा है लेकिन उसको काम करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसको काम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 3-4 दिन लगाने के बाद ही चेहरे पे एक इंस्टेंट ग्लो दिखेगा एंड नोटिसेबल एंड विजिबल चेंज दिखेगा चेहरे पे, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। सो ये था मेरा आज का वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो गाइज। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, मैंने अभी बताया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।